ऑलराइट व्यूअर्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल लाइफ इज़ ऑसम सुरेंद्र प्लान्स। व्यूअर्स, आज हम आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे, वो है हर कोई चाहते हैं कि अपना घर में भी जो है ग्रेनाइट का शेल्व्स, तीन टाइप के शेल्व्स आते हैं। एक जो आता फर्नीचर वर्क में प्लाईवुड वर्क, दूसरा आता है ग्रेनाइट वर्क, एंड मोस्ट पॉपुलर जो हमारे इस एरिया में देखते हैं वो है सीमेंट शेल्व्स आता है। ओके, तीन टाइप का है, और उसके अलावा भी होंगे बहुत तरह तरह का, फाइबर टाइप में लाइट वेट बोर्ड यूज़ करके भी करते हैं। बट यहाँ पर इसमें एक एडवांटेज क्या है बोले तो, आपको कलर करने का ज़रूरत नहीं पड़ता, रॉड्स लाने का ज़रूरत नहीं, और सीमेंट मोर्टार ये सब ज़रूरत नहीं पड़ता। सो ये डायरेक्टली आप आके बिठा सकते हैं, इसको लफम लगाने का भी नेसेसरी नहीं पड़ता है। एंड अब आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पर्टिकुलर, खाली इतना ही जो एक फ्रेम देख रहे हैं ना आप, वर्कर कितना चार्ज लेते हैं, और इस घर में तीन चार टाइप का बना रहे हैं तो उसको टोटल में वर्कर्स कितना लिया जा रहा है वो मैं बताऊंगा, एंड कितना ग्रेनाइट लगा है, कितना एरिया, कितना स्क्वायर फीट लगेगा ग्रेनाइट, लेट्स सी। सो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर टोटल 390 स्क्वायर फीट ला चुके हैं इस घर में, एंड पर स्क्वायर, सो ये क्वालिटी का ग्रेनाइट आपको पड़ता है 90 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट, लोकल यहाँ बीदर में ही लाएगा 90 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट, और वर्कर्स जो लेते हैं ना दोस्तों वो 70 रुपीज़ लिया जाता है वर्कर्स के द्वारा। ओके, 70 रुपीज़, तो ऑलमोस्ट ग्रेनाइट का रेट ही वर्कर्स भी लिया जा रहा है। सो वर्कर्स का क्या है कुल मिलाकर 70 रुपीज़। अब मान लीजिए ये है आपका 2x4 हुआ, समझो 4 × 8 स्क्वायर फीट हुआ है, 8 × 70 करना, तो उतना जो है वर्कर लेते हैं एंटोल एवतर। सो 2x4 को क्या है 560 रुपीज़ होता। अब यहाँ पर ये डबल आया, देखो इधर एक साइड आया फिर इसके तब इस तरह। सो इसको क्या है उन्होंने वर्कर्स क्या है डबल लेते हैं, इसको डबल लिया गया। सो डबल लेने से भी एक बेनिफिट ये होता है कि आपको एक फ्रेम अच्छा दिखता है, देखने को भी एक गुड क्वालिटी मस्त दिखता समझो। और एक दिक्कत ये होता है, ग्रेनाइट अगर आप लगाए समझो तो इसको प्लाईवुड से आप कवर नहीं कर सकते, एंड ये साइज़ जो है ना ऐसा 7 फीट का है, और हाइट में क्या है 8 फीट ऊपर लिया गया, 8 फीट तक है, लगभग 7.5 फुट, ऐसा 7x8 फुट में, एंड ये जो गैप है जैसा नीचे की तरफ हैवी ऑब्जेक्ट रहा तो स्पेस ज़्यादा दिया गया 2 फीट करीब, उसके बाद जो है इसको ये थोड़ा सा और ज़्यादा है, फिर ये कम होते गया, इस तरह से एक प्रोसेस बनाएगा। बट कभी भी आप वर्क करवाते हैं ना, लेवल ट्यूब की मदद से लेवल ज़रूर चेक करवा दीजिएगा बिठाते समय, लेवल पाइप रहना बहुत नेसेसरी है। तो अब देखिएगा कोई थोड़ा सा इधर अप डाउन हो गए तो आपको लेवल पाइप से क्या है इमीडिएटली चेक कर सकते हैं। ओके, सो 35,000 का ग्रेनाइट लगा, एंड कारीगर को गया 26,000, खाली इस इतना ही शेल्व्स बोले तो आपको कारीगर के साथ साथ ग्रेनाइट की बात करें तो 25,000 रुपये होना। तो अब सेपरेट कैलकुलेट हम भी नहीं कर सकते, मैं आपको टोटल में बताता हूँ, 60,000 रुपये का वर्क हुआ, 25,000 वर्कर्स का चार्ज, 35,000 जो है ना ग्रेनाइट का चार्ज, 390 स्क्वायर फीट लगेगा ग्रेनाइट टोटल में। और ये जो साइड का है डबल, इसमें एक ऑप्शन रहता है आप डबल भी रख सकते हैं सिंगल भी, यहाँ पर जो लिया गया वो डबल लिया गया, ठीक है। तो एक फ्रेम आउटर फ्रेम डबल, और आप अगर करवा रहे हैं तो ऐसे इसको कर लीजिएगा अच्छा दिखता है, और ठीक है मैं आपको दूसरी तरह लेके चलता हूँ। और यहाँ पर नीचे की तरफ भी डबल रखा गया। तो इसके अलावा दूसरा ऑप्शन क्या है बोले तो, आप ईंट रख के भी कर सकते हैं समझो, ईंट एक ईंट रखना, ईंट रख के जो ऐसा दिखता देखो ईंट ऐसे रखी, उसको एक ग्रेनाइट चिपकाना, उसके ऊपर सिंगल भी रख सकते हैं। सो नीचे का जो स्क्वायर फिट जो ग्रेनाइट रहता है वो उसका आप स्कॉच सेविंग कर सकते हैं, एंड ये 1 इंच का ग्रेनाइट है थिकनेस। सो ये एक वर्क किया गया था यहाँ पर, जैसा इधर भी आउटर फ्रेम डबल लिया गया, एंड बाकी का इस तरफ जो है उसके अंदर ही लगा दिया। सो कुल मिलाकर ग्रेनाइट और इसका वर्क 60,000 रुपीज़ हुआ है ये यूटिलिटी एरिया में। सो व्यूअर्स, जब भी आप ग्रेनाइट से अलमीरा, किचन में एक अलमीरा और बेडरूम में 2 बेडरूम में, सो तीन चीज़ों के लिए आपको चाहिए अप्रोक्सीमेट, हर एक इसको खर्चा मैं बताऊंगा टोटल में आपको,
25,000 रुपीज़ तो कंपलसरी चाह रही, इंक्लूडिंग मटेरियल एंड ये। सो 25 × 3, सो 75,000 रुपीज़। अगर आप तीन चीज़ करवा रहे हैं तो उतना पैसा ज़रूर चाहिए, 1,00,000 रुपये तक हो सकता है, डिपेंड करेगा। सो इसके साथ मैं वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करूँगा। थैंक यू सो मच।